और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड टुडे आई एम इन हर्षिल. बारिश हो रही है, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से. लेट्स गो टू आवर होम स्टे. अब यही होता है यार, अनप्लान ट्रिप में यही होता है कि आपको ऑन द स्पॉट ही देखना पड़ता है कि क्या है कैसा है. अभी ये बता रहे थे कि होम स्टे का चार्जेस 1200 है, क्योंकि यहाँ पे 1200-1200 के नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा है. बैग घसीट के आ रही हूं, सीरियसली रूम में आके जूते भी नहीं उतारे, बट हम एक चीज देख के बहुत खुश हो गए. दैट इज द व्यू ऑफ द रूम. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. ऐसे अंडररेटेड वाला स्टे पर बहुत प्यारा है. भोजन नहीं, आप बात कर लो एक बार. दैट्स वेरी नियर. हम लोग लाइक वी कैन, हां आप बात कर लो एक बार उनसे, दो लोगों के लिए क्या बनाएंगे ना. कोई बात नहीं, वैसे आज हम लोग को मन भी नहीं होगा अभी कुछ. मेरे पास सूप है, आई विल हैव सूप. नहीं भैया रहने दो, हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं. हाँ, 1200 टू 2600 का डिवाइड हो गया. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हर्षिल. अब ये जो है ना, हम एक दिन में नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हर्षिल इतना प्यारा विलेज है ना, और यहाँ पर ना एप्पल ऑर्चर्स है. ये एप्पल ऑर्चर्स जो है इसकी यूएसपी है, मतलब का यहाँ पे मेजर जो इनकम सोर्स है वो वही है. सेकंड थिंग इट्स यहाँ पे आर्मी कंटेनमेंट जोन भी है, सो ऑब्वियसली मतलब आर्मी वाला एरिया है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. लाइक ड्रोन व्रोन उड़ाना आपको ऐसे अलाउड नहीं है. थर्ड थिंग इज इट्स वेरी स्मॉल विलेज, और आपको ना ऐसा लगेगा कि बस शुरू होते ही खत्म हो गया. देयर इज सो मच टू सी, मतलब अराउंड द प्लेसेस. तो हम इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन दिन में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर घूमने के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को ऐसा टाइम भी देना है. तो हम थोड़ा ईजी ले रहे हैं. आज पहला दिन है, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं राज के साथ. हाय. हाँ, सो राज जो हर्षिल से हो ना. हाँ, तो राज हमें लेकर जा रहे हैं साथ में, मतलब हम उनके साथ जा रहे हैं. कि सो मच टू सी, आप क्या कहोगे. है बहुत कुछ है, इनका पेज देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, हैंडल में यहाँ पर डाल दूंगी, सो आप भी देख सकते हो. बहुत कुछ, बहुत अमेजिंग फोटोग्राफी करते हैं. लेट्स गो. बहुत विंडी सा है हाँ आज का. कल थोड़ा बारिश की वजह से जब हम आए थे थोड़ा वो हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था बहुत. ये भगोरी ऐसे विलेज है. हम अंदर की तरफ जाएंगे, चित्तू पास की तरफ. एवरीबॉडी, तो अभी हम हैं बगोरी विलेज में, जो कि सम्मानित है राष्ट्रपति पुरस्कार से. क्यों? क्योंकि ये जो गंगा जहाँ जहाँ बहती है, वहाँ पर जितने भी विलेजेस आते हैं, उनमें से सबसे क्लीनेस्ट विलेज इज दिस विलेज, विच जिसका नाम है बगोरी विलेज. और हम अभी वहीं पर हैं, सबसे पहला स्टॉप हम यहीं पर आए हैं. और राज अभी ये बता रहे थे कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ताला देखा, इस घर पर ताला लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला यार 6 महीने यहाँ लोग नहीं रहते, 6 महीने वो नीचे चले जाते, मतलब दूसरे सिटीज़ में या गाँव में चले जाते हैं, और फिर 6 मंथ वो यहाँ पर रहते हैं. तो इसलिए यहाँ पर अभी आपको लॉक नज़र आ रहे हैं, बट अब लोग आएंगे क्योंकि सीज़न अब शुरू हो गया है, अब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, तो अब लोग आएंगे और अब यहाँ पे फिर आके लोग रहेंगे. दिस इंटरेस्टिंग राइट. और कितना सुंदर ये विलेज है, लाइक पीछे इधर मोनेस्ट्री है, इस तरफ मंदिर है, लाइक वेरी ब्यूटिफुल यार. नमस्ते जी. ऐसे बना रहे हो ना उसका. हाँ जी, देख. हेलो, आपका क्या नाम है? आशन नेगी. आशन नेगी, आप यहीं रहते हैं? कितने साल से यहाँ पे? बहुत साल हो गए. आप मतलब आपका बर्थ यहीं पे हुआ है? नहीं, जन्म कहाँ हुआ? जन्म तो हमारा हिमाचल हुआ. अच्छा, हिमाचल. मैं हिमाचल बहुत जाती हूँ. अच्छा, कहाँ हिमाचल में? किन्नौर. किन्नौर, कल्पा, रिकांगपियो. मैं उधर जाते ही रहती हूँ, मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम में जाते हैं. बढ़िया बिजनेस करते हैं. ये हाँ, ये दिस इज नाइस. इसमें और कौन कौन सा कलर है?
ये मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मुझे लेना था। आंटी जी 1300 बोल रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं करो, तो ये दे दो साथ में फिर ये। ठीक है, आपकी तरफ से गिफ्ट, ठीक है, चलेगा? बताओ चलेगा? अगर आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको डाल दो। आपके पास चेंज होगा 2000 रुपए का? 2000 ही है। अच्छा, अंकल के पास होगा? अंकल देखिए, फिर यहाँ भी कुल 500 का है ना अंकल जी आपके पास, है ना? और 700 है वो। हाँ अंकल जी हमारे लिए एप्पल लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत भूख लगी। चलो आते आते फिर वापस। ये होम स्टे भी मिलेगा यहाँ। अच्छा, ये जा मैगी खाने के लिए। हाँ, रोंपा होम स्टे। अच्छा, रोंपा होम स्टे। आप यहीं से ही हैं? हम अभी मैगी का वेट कर रहे हैं, मैगी खाएंगे। थैंक यू। वाला पूरा तो राज बता रहे हैं कि यहाँ पे ये राम तेरी गंगा मैली जो मूवी, मेरे पापा बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी फेवरेट मूवी है ये। मेरे पापा बहुत खुश हो जाते तो यहाँ से ऐसे ये हीरोइन आ रही थी और यहाँ पे शूट हुआ था, तो यहाँ पे अभी पोस्टर लगा हुआ है, बता रहे हैं। अब इसमें जाता नहीं होगा ना? पर ये नहीं, वो बॉक्स है पुराना वाला वाला। कहाँ? ओ हाँ, गाइज देखो आप लोगों को सब ना ऐसा फैंसी साइड दिखता है ट्रैवल व्लॉगिंग का, लाइक वी ट्रैवल, वी डू सच थिंग्स, बट राइट नाउ आई एम सिटिंग इन दिस फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड बिकॉज आई नीड टू अपलोड माई वीडियो जो कि आज रात को यूट्यूब पे जाना है ताकि आप लोग देख पाओ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है पर अंदर नहीं बैठ सकती क्योंकि येस दिस इज़ द प्रॉब्लम, इंटरनेट क्योंकि अंदर अच्छे से नहीं चल रहा था, तो दैट्स वाई मुझे बाहर आके करना पड़ रहा है ये। बट ओके, कोई बात नहीं, करेंगे हम सारा काम करेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड हर्षिल में ना एक लामा टॉप करके जगह है वहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है, सुंदर नज़ारे दिखते हैं। छोटी सी हाइक है 2 किलोमीटर की, वो करेंगे। थोड़ा सा खा पी लिया है, ब्रेकफास्ट में चाय और उपमा मैंने इंस्टेंट वाला बनाया था वो खा लिया है, अभी निकल चलते हैं। टीम भैरी कहाँ से आना है? ओ, व्यू देख पीछे, अति सुंदर। ओ गॉड, सीरियसली यार, एक जगह तक आए हैं और यहाँ से भी अभी भी ऊपर दिख रहा है बहुत। टाइम में कितना टाइम लगेगा वैसे? A few moments later. हिम्मत करके राज के कॉन्फिडेंस में आ गई हूँ मैं। अब कुछ हो गया तो इमरजेंसी बुला लेना, हेली बुला लेना। झलक दिखी है, अरे रे रे रे, वर्थ, मैं मिस कर देती। हाय रब्बा, ओए होए होए,
लास्ट के कुछ कदम। मैं तो एकदम ऐसे खो गई थी नज़ारों में, और फिर घर पे कॉल किया मैंने तारिका को और सागर को, ऐसे व्यू दिखाया कि देखो मैं टॉप पे पहुंच गई, लाइक इतना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ से नीचे विलेज दिख रहा है, भागीरथी रिवर दिख रही है, सब कुछ ऐसे टॉप वाला जो एरियल व्यू है ना, इतना सुंदर लग रहा है, वाह। गाइज आपने चढ़ावे के तरीके बहुत देखे होंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम सीइंग, लाइक ये सारे कॉइन्स हैं, बिलीव नहीं करती चढ़ावे और ये सब चीज़ों पे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा ही पहली बार देखा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी 1 रुपये का ही कॉइन दिल से होना चाहिए, मतलब तो 1 रुपये का हो जाए 10 रुपये का, क्यों से अभी के लिए टाइम लैप्स लगा देती हूँ, सो दैट आप इन्जॉय करो, टाइम लैप्स हम करते थोड़ा सा शूट।